आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कुंदरू की सब्जी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आप कुंदरू ले और उसे अच्छे से धो के सुखा ले, और उसके बाद आप इसके इस तरह से कटिंग करें। सारे कुंदरू को आप इस तरह से कट कर लें और उसके बाद आप इसके सब्जी बनाएं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ इसे इस तरह से बनाएं। थोड़ी सी ऑयल मैंने लिया है और उसमें मैं इस कुंदरू को सैलो फ्राई करके निकाल लूँगी। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए आप इसे भून लें। थोड़ा सा इसे बीच बीच में ढकते हुए भूनें ताकि ये थोड़ा जो कुंदरू है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छे से हमारा कुंदरू भून भी जाए। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए आप ढक के पका लें और उसके बाद आप इसे, मैंने दिखाया आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 मैंने कली लहसुन का लिया है, और 2 बड़े चम्मच मैंने तेल में थोड़ी सी गोटा जीरा, थोड़ा सा राई और थोड़ी सी हींग मैंने डाली है, और उसी में मैंने अदरक और लहसुन को क्रश करके डाला है। उसे भी कंटिन्यू मैं इसमें चलाती रहूँगी। कुछ कड़ी क्लिप्स मैंने इसमें डाले हैं और उसे भी मैं इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। हमारे मसाले थोड़े भून जाएंगे तब मैं 2 प्याज इसमें चॉप करके डाली हूँ। मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, आप यदि बड़े साइज़ के लें तो आप 1 प्याज लें, और 4-5 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बीच से चीरा लगा दिया था। अब मैं थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, और उसे भी मैं इस मसाले के साथ प्याज और मसालों को अच्छे से भून लूँगी। जब ये भून जाएंगे तब मैंने इसमें जो कुंदरू भून के रखा है उसे मिक्स करूँगी, और फिर मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक के साथ सारे मसालों को मिक्स करूँगी और इसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर और ढक के मैं पका लूँगी। तो ये सब्जी हमारी, देखिए मसाले और कुंदरू अच्छे से भुन गए हैं और बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तब मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग, दो एक बिल्कुल छोटे चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा लिया है, और उसे मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इससे होगा कि हमारा जो कुंदरू है वो लसलसा टाइप नहीं रहेगा, वो बिल्कुल खिला खिला सा आपका ये भुजिया बनके आपकी रेडी होगी। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी।